खुशकिस्मत हैं कि गिरिजा प्रसाद मिश्र हैं, ये रेलवेज में रहे हैं और मजदूरों के लिए काफ़ी काम किया है इन्होंने, और यूनियन में 1957 में ज्वाइन किया था रेलवेज, और उस टाइम इनका रुझान जनसंघ की तरफ था, लेकिन वो वाजपेयी जी से उन सब के लीडरों से थोड़ा मुतासिर थे, लेकिन फिर देखा कि ये तो लफाजी है और इससे मजदूरों के लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और सन 1965 में जब इन्होंने ईएमएस को देखा बनारस में और वो आए थे, उनकी जो वो भाषण था या उनके साथ जो इनका वो हुआ इंट्रोडक्शन के वर्ग संघर्ष क्या चीज़ है और सोसाइटी में समाज में वर्ग नज़रिया जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ये उसकी तरफ फिर हुए, और जो सबसे वो हैं शोषित उसमें रेलवेज में हैं गैंगमैन, जो रेल ले डाउन करते हैं, ट्रैक्स ले डाउन करते हैं, वो जब से रेलवेज आए शुरू हुई उनका कोई उत्थान ज़्यादा नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल से ये खुद आगे बोलेंगे। कॉम्रेड्स अध्यक्ष उदय और हमारे जुझारू साथियों और आप सब लोगों का हम क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप लोगों के दिलों में कुछ जज्बात कुछ भावनाएं मचल रही हैं आज की हालात पर, कुछ आपके दिल में दुख हो रहा है और कुछ चाहते हैं कि ये बदले, ये मैं उम्मीद करता हूं, और इसी आशा से हम आप लोगों के बीच में आने के लिए मैं आप लोगों को मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और शुक्रगुजार भी। अभी हमारे जब जी ने अभी कॉम्रेड ने आपको थोड़ा जो ब्रीफ किया, ये मैं 30 साल तक मैं थोड़ा मैं अपने अनुभव के विषय में बताऊँ, फिर मैं विषय पर आऊँगा जिस विषय के लिए शायद यह आज का मीटिंग बुलाया गया है। तो मैं परेशान था, बचपन से ही परेशान था मैं, कि हमारे गांव में मैं पैदा हुआ, मैं किसान का बेटा था और बगल में हरजन बस्ती हुआ करती थी, मुसहर बस्ती हुआ करती थी, और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पूजा पाठ वाला मेरे पिताजी करते थे, और मैं निकल जाता था शाम को खेलते कूदते मुसहर बस्तियों में या हरजनों की बस्तियों में जिसे कहा जाता है तुम्हारे, तो देखा था कि बड़ी गरीबी झोपड़ी और वो लोग बधुआ मजदूर की तरह से हमारी बस्तियों में ब्राह्मणों के यहाँ ठाकुरों के यहाँ सवर्णों के यहाँ काम करते थे, और काम उनके पास नहीं होता था तब भी वो जो है आकर के बैठे रहना पड़ता था, कहीं दूसरे जगह भी काम करने की आज़ादी उनको नहीं थी, महिलाएं भी उनकी लगी रहती थी। मैं जाता था उनकी जो है दरवाजे पर, तो बूढ़ा 50 साल का आदमी, 12 साल का मैं हुआ करता था, 10 साल का हुआ खड़ा हो जाता था, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे झुक कर कमर झुका करके, पंडित जी पा लगी प्रणाम, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बताइए 12 साल का मैं और ये 50 साल का 60 साल का बूढ़ा आदमी उससे ये प्रणाम क्यों कर रहा है, ये गलत है। ऐसे ही तमाम एनोमलीज विषमताएँ देश जो हमारे समाज में थी मुझे कुरेती रहती थी, कुरेती करती। ब्राह्मण बस्तियों में भी मैं देखा करता था कि कुछ लोगों के पास एक बीघा दो बीघा जमीन थी, किसी के पास 10-20 जमीन है, कई रिक्शा चला रहे हैं, कुछ सगड़ी चला रहे हैं ब्राह्मण लोग, उनका भी हमारे कौम में जो है एक मान जान नहीं हुआ करता था। मैं सड़क पर देखता था तो हमारे हरजन बस्ती का भी एक आदमी आ गया, सगड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, और दूसरा ब्राह्मण का भी जो है मंगला मिश्र भी आ जाते थे और वो भी चलाते, दोनों जने अब वो जनेऊ बने हुए हैं वैसे ही चल रहे हैं, दोनों जने जाके साथ चाय पी रहे हैं कर रहे हैं, और बाकी दोनों में एक तरह से है एक सगच है, बाकी उनके में है कि मैं ब्राह्मण हूँ जनेऊ है, इनके में कि हरिजन है, ये सब ये ऐसा क्यों है, जब दोनों जने एक ही काम कर रहे हो तब ये ऐसा क्यों है, मतलब ये सब चीज़ों को देखते देखते। मेरी बहन थी, थोड़ा विषय अंतर हो सकता है, बाकी मैं थोड़ा जल्दी से बिल्ड करूँगा, ये मेरी दो किताबें आ रही हैं और दोनों किताबें करीब 400 पेज की, 300-400 पेज की किताबें होंगी, मेरे पूरा ट्रेड यूनियन का मूवमेंट
किसान मूवमेंट, छात्र आंदोलन का भी मूवमेंट तमाम विषय उसमें समाहित है। और सबसे बड़ी बात, तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ा मुझे। एक तो घर के मोर्चे पर, नमूदी पाठ के भाषण ने 30 साल की उम्र पूर्णापंथी में मेरी बीत गई, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में और जुमलेबाजी में, जैसा जुमलेबाजी से आप लोग अब समझाने की जरूरत नहीं, क्या शब्दों की बाजी करी, क्या वादे, क्या दुनिया का सपना, क्या गरीबों की बातें, सब वो मैं परेशान होता था कि तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बाकी जुमलेबाजी से मेरा मन नहीं भरता था, मैं इसका रिड्रेसल चाहता था। नाना जी देशमुख कुछ जमाने में हुआ करते थे, जो उनके विषय में जानते हैं, मैं उनसे करता था कि अब तो सत्ता आ गई 1967 में, जब रव प्रांतों में संयुक्त सरकारें बनी, यूपी में भी बनी, जिसमें उसमें जनसंघ भी शामिल हुआ, और 1977 में भी भाजपा को सब मिला करके जो बना गया जनता पार्टी, तो लाल इनके जो अटल बिहारी वाजपेयी बन गए फॉरेन मिनिस्टर, लाल कृष्ण आडवाणी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग बन गए, तभी नाना जी से पूछता था और दार्शनिक थे, तो ये सब क्यों नहीं हो रहा, ठीक सब बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, और फॉरेन पॉलिसी और कोई इनके पास जवाब नहीं था बाद में, ये तो बाद की बात है। 1965 में मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आ गया, मेरे चिंतन के, मेरे जीवन के उद्देश्य को लेकर के, जब नमूदरी पाद हकलाते थे, आप लोगों को नाम सुने, फर्स्ट कम्युनिस्ट जो है चीफ मिनिस्टर था 1957 में, और 2.5 साल के बाद नेहरू और इंदिरा गांधी जो थी उसमें अध्यक्षा हुआ करती थी, उन्हें बंद कर दिया, जब आए हैं बोले हैं लुंगी पहन करके और खड़े होकर के हाथ साथ बोलते हैं, तो कहते थे आई एम Not happy. I am unfortunate to speak in a language which is not yours nor mine. और उसके बाद फिर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, और मुझे जो इंग्लिश प्रोफेसर पढ़ाया करते थे उसके चंद बड़ी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी लेखक संगम, उनके नहीं रहे, उनके बेटे हो गए हैं वो अलग, तो वो उसका ट्रांसलेशन करते थे, तो मैं देखा था स्टेज पर क्या ऐसी बात है ना, वो भीड़, वो ताम झाम जनसंघ वाला मैंने नहीं देखा, तो पहले ही मिशन हुआ, इतनी सिंपल हमारा देश गरीबों का है, सिंपल होना चाहिए ना। चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य तो महामाता तो जंगलों में रहा करता था, ये लोग कैसे हैं लेकर के, तो असली चाणक्य की जीवन तो जी रहे ना, मुद्री पास है, ऐसे पार्टी को मामूली से आए बड़े बोलना, तो मुझे प्रभावित किया पहले आचार विचार। प्रकाश जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, मैं हमारे साथ असम सर्ग में है, मैं इसे कहता हूँ जीवन बड़ा मुख्य चीज होता है और विचार भी होता है, जीवन और विचार दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जो हमारे लिए तो अति अनिवार्य है कि पॉलिटिकियन करेक्टर अगर हमारा नहीं रहेगा, सिद्धांत तो सिद्धांत धरा रहेगा, और जिसका रिजल्ट हम और लोग देख ही रहे हैं। तो उसके बाद चले, और चलते चलते फिर परिवार में झंझट शुरू हो गया हमारे लिए, चलिए तो नास्तिक हो गया, भगत सिंह मुझे बहुत प्यारे थे, जूलियस क्यूचिक का जब मैंने पढ़ा फांसी के तख्ते से, तो उनका भी कोई जवाब नहीं, निकोलायस तो उसकी क्या अपनी दीक्षा पढ़ा, कोई जवाब नहीं था, मैक्सिम गोर्की का माँ पढ़ा, ये सब मैं 4 साल 3 साल के भीतर, ये 65 के बाद जब मुझे कहा जाता था कि कम्युनिस्ट जो हैं ये क्या कहते हैं वह इनका यह क्या क्या कहा जाता था, ये नास्तिक होते हैं, भगवान द्रोही होते हैं, पढ़ते और चरित्रहीन होते हैं, क्या क्या, इसलिए हम भागते थे। बाकी जब इस कैंप में आया देखा कि इतने चरित्रवान लोग, इतने सीधे साधे लोग, सरल लोग, और जनता के प्यारे, जनता के बीच, जनता ही उनका जीवन है, तो देखा बड़ा अच्छा लगा आकर के। और तब फिर ये जो किताबों को मैंने पढ़ा है, जिन्होंने बताया, और राहुल सांकृत्यायन भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किए, उनकी तुम्हारी इच्छा है, भागो नहीं दुनिया के बढ़ लो, ओलगा से गंगा, साम्यवाद यही क्यों, सब पढ़ा था, मतलब लगता था कि स्पीड में पढ़ा हूँ 3-4 साल, और तमाम प्रेमचंद हिंदी के तमाम उपन्यास और शरदचंद चट्टोपाध्याय खूब पढ़ा, दिन रात पढ़ा, संजोग से नौकरी मुझे ऐसी थी, नौकरी की वैसे मैं हल्का सा फ्रीप कर दूँ, मालगाड़ी के गार्ड में मेरी भर्ती हो गई, गरीबी के बनना चाहता था कुछ और, प्रोफेसर का इंजीनियर डॉक्टर क्या बनना चाहता था, बाकी परिस्थितियों ने जो है मुझे कह दिया कि नहीं जाओ, मेरे प्रोफेसर ने कहा कि बेटा तुमको रेलवे में जॉब मिल गई है तो चले जाओ, मेरी वैसे 3 साल बड़ी मेरी छोटी बहन थी, 14 साल में बाल विधवा हो गई थी, उसकी भी समस्या थी, हम बहुत खूबसूरत थे, और 14 साल में उसके पति मर गए, तो ये सब क्यों हो रहा है, मर गए तो क्या हुआ, इसको फिर दूसरा शादी होना चाहिए, और जब जॉब मैंने किया 20 साल 22 साल में, पहला काम मैंने किया कि बहन को अपने जो है
ले आया अपने घर पर विंध्याचल के पास में, कहे भैया हमको दर्शन वर्शन करने का मन है, तुम कि आओ बहन धन करो। एक लड़का रेलवे में, वो भी विदुर था, उसकी वाइफ मर गई थी, बहुत खेत बेचैन था, रेलवे में जॉब था, उनको तय कर लिया। बहन को कहा कि हमने भाई तुम शादी कर लो इससे, करे और ये तो बहुत उखड़ गई मेरे पर, गाली पकड़ देना उससे आगे, जो दिमाग बैठा हुआ है कि विधवा की शादी नहीं हो सकती दोबारा, हाँ वो ये समझ लीजिए। तो वहाँ से फिर मैं बड़ा निराश हुआ कि क्या है ये सब व्यवस्था, ये सब शादी इसकी 14 साल में विधवा हो गई और 72 साल में जाके मरी, खैर ये सब हुआ। तो ये सब चीज़ों से उहा पोह होकर के माया, तो हमारे घर परिवार में बड़ा कलह हुआ कि ये शादी कर रहे हैं या दहेज नहीं लेते हैं, या अपनी पत्नी जो मेरी मर गई तो मैंने उनको जो है तेरे ही फेरे ही नहीं किया, मैं मूड नहीं मिलाया कि भाई चली गई मेरी जो है, चली गई तो ठीक है जैसे भी है। तो इस सब के खिलाफ जो मैं कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं उसके ऊपर अपने लागू नहीं करते हैं, और जब लागू करेंगे तो समाज से भी उत्पीड़न होगा और आपके घर से परिवार से हुआ, ये सारे मेरे ऊपर पाए। तो एक मोर्चा मुझे परिवार से लड़ना पड़ा है, जो घोर आस्तिक खोजा पूजा पाठ वाले ब्राह्मणवादी, और जो है और मुझे एक तो अपने सर्विस में कि 70 माल डिब्बे के पीछे मेरा एक डिब्बा हुआ करता था, बक्सा लोहे का, वो खड़ा हुआ है कैबिन में, कभी रेल यात्रा किए होंगे तो कैबिन के पीछे में गार्ड का डब्बा है और इंजन बैठा हुआ है उधर, और इंजन के बगल में टी स्टॉल है, जाके अपना चाय पानी कर लिया, और जो है हमको तो चाय भी नहीं मिलना है, रात साय कर रही है वो गाड़ी एक्सप्रेस, वो पैसेंजर ट्रेन निकल रही, मालगाड़ी कोई पूछने वाला नहीं, 24 घंटा से खड़े पड़े हुए हैं ऐसी मालगाड़ी में। तो उसमें मुझे पढ़ने का मौका खूब मिला, पढ़ने का और पढ़ करके हुआ, और मैंने बताया कि अभी जैसा बता रहे थे कॉम्रेड कि रेलवे में जन्म लिया, जैसा बताया गैंग में यही मेंबर हुआ करते थे, भीड़ लगाए करते थे और दो स्टेशनों के बीच में काम करते थे, तो इनके पास जाके मुझे मिलना था, इनको एक्नाइज करना था, इनको सीजर ऑफ पॉलिटिकल पावर तक पहुंचाने के लिए इकोनॉमिक लड़ाई, पहले तो इकोनॉमिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई को करके इनकी समस्याओं को लेके, इनका प्रमोशन नहीं, इनकी हालत बहुत ख़राब, तो और मेंबर यही बन रहा है, इनका अधिकारी जो है इनका अधिकारी बनता था, इनका रेलवे का अधिकारी वही यूनियन का भी पदाधिकारी बनता था, सब हुआ। तो मैंने इनको ऑर्गेनाइज किया, आप विश्वास करेंगे कि मुगल सराय से लेकर के कानपुर झांसी और इधर जो है बबीना की तरफ आगरा उधर हावड़ा धनबाद धनापुर सब पैदल में रन किया, और चुनार एक लाइन खुली हुई है, चुनार घोमो की तरफ जाती है, इधर आपका बर्बादी बरका करना चौपन होते सब बहुत खाई किताब में सब आ रहा बना करके। इनको 15 ईयर्स मैं इनको चेतना दूँ करूँ, एक दिन में तो होने वाला नहीं है, फैक्ट्री तो 2000 निकले और 2000 गए, 4000 को भाषण दिया, पर्ची बांट दिया इनको, तो 20 आदमी को समझाने के लिए दो स्टेशन के बीच में जाना पड़ेगा, जहाँ ना कोई ट्रेन रुकती है ना कोई बस। आई डिड दैट। तो मैंने कहा एक आप ये कह सकते हैं इट वॉज फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेलवेज जिसमें गैंगमैन का अपना एसोसिएशन यूनियन मान्यता कहाँ मिलेगी, और रजिस्टर्ड किया मैंने, बाकी उसको भी तहस नहस करने का काम हमारे मित्रों ने किया है, और उनका नाम देने से क्या मेरी किताब में सब वर्णन आएगा, ये तो क्लास कॉन्शसनेस करते हैं, पॉलिटिकलाइज करते हैं, जीपी मिश्रा जो जो वन गार्ड होते हैं जो काफ़ी लीडर्स उनको करता, सब गैंगमैन थोड़ा सीधा पॉलिटिकल पावर बात करेंगे, खैर करते करते बाद में आके फिर छोड़ना उड़ना पड़ा। मुझे ज़रूरत थी पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल सेंटर, उसमें CPI भी थी, CPM भी थी, SOCI भी थी, RSP भी थी, और CPIML के एक दर्जन रहे होंगे, यही दर्जन CPI में रहेगी, इनका जो है CLI का भी जन्म हो गया था 1978 में, अरे राम राम, सबको मैं देख रहा हूँ करते करते, बाकी मेरे रिक्वायरमेंट को कोई फीड नहीं करता था, मुझे पर्ची छापने में भाग दौड़ करने में या ड्रेस दौड़ नहीं हुआ, अपने कन्वाए मुझे पेपर की जरूरत पड़ी, कोई हमारे डेडिकेटेड कॉमरेड से मुलाकात हुई जिसका नाम तो मैं लूँगा ही, बन बिहारी चक्रवर्ती बंगाल में, यही जेएनयू में मीटिंग थी 1982 में थी, और बोला गया किसी रिवॉल्यूशन पर, चाइनीज रिवॉल्यूशन और जो है इंडियन रिवॉल्यूशन पर बोलना था, और 2 दिन का सेमिनार था, नामवर जी से भी मेरी मुलाकात उसी दौर में हुई जो है, बाकी ही वॉज द बेस्ट स्पीकर फॉर द बोथ दिस बंगल, उनसे मैं अट्रैक्ट हुआ, बाहर निकले हमने कहा यार तो बंगाल में है, मैं यूपी में काम कर रहा हूँ, कुछ बिहार में है, आइए मिलजुल कर थोड़ा सेंटर बनाया जाए, रिसर्च सेंटर बनाया जाए, कुछ करके हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कुछ बनाया जाए, आप लोग तो ML धारा का जो था राइट डिवीजन में चली गई, उससे हम लोग कोई हम लोग को काफ़ी नहीं रहे, तो करते करते भी बना एक छोटा सा ग्रुप बना, उसमें BP शुक्ला, डॉक्टर BP शुक्ला आगरा के थे, 1938 में ही बिकेम मेडिकल ग्रेजुएट 1938, और 40 में होल टाइम में हो गया, क्या बात, वो मेरे पंडा सुख थे,
बलिहारी चक्रवर्ती थे, बढ़िया कि मेरे काम उमा शंकर सिंह थे, वो भी एम ए लड़ी करके वो भी आ गए थे, मेरे साथ प्रेरणा सूत्र थे। अवैचारिकता का सवाल था, वैचारिकता की खुराक मुझे यहीं पर मिलती थी और पढ़ने लिखने का था ही, सेंटर की जरूरत थी, सेंटर बना, उसके बाद फिर आकर के वो लोग डेथ उनकी हो गई, फिर मेरी जरूरत थी पेपर की जरूरत थी, एक फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल जर्नल जो आम जनता के बीच में स्टूडेंट की समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर के, वुमेन की समस्या को लेकर और वर्कर्स की समस्या लेकर हुआ। तो वो पत्रिका तो पहले हम लोग क्रांति पत्र निकालते थे 1984 से, फिर बाद में बंद हो गई, फिर हम लोग दोनों ने मिल करके, हम बियानी चक्रवर्ती जो है, हम लोग स्टालिनिस्ट विचारधारा के थे, बलिहारी चक्रवर्ती भी स्टॉन्च थे, और एक नाम और बता रहा हूँ, डॉक्टर बी एस यदु MBBS थे रायपुर के, तो उनकी मुलाकात उसी दौर में हो गई, ये बात से स्टॉन्च स्टालिनिस्ट थे। वाह क्या बात, रट्टा हुआ था पूरा, क्या क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, क्या क्या हुआ, तो मैं उनके ग्रुप में आ गया, उनसे मिला जुला, बड़ा अच्छा चला। और अंत में फिर जो है ये पेपर की जरूरत थी, तो रियल वेल्थ जिसमें पीबी चंडी कहते हैं, नो नथिंग इज बेटर देन द नथिंग रियल वेल्थ बट द लेबर ऑफ मैन, पीबी चंडी का बट द लेबर ऑफ लेबर श्रम श्रम के, तो उसमें पड़ा वो बंद हो गई। फिर उतने हुआ हिंदी रीजन में मैं काम करता हूँ, हिंदी कोई पत्रिका नहीं, तो हम लोग मिलजुल करके, प्रोफेसर अरा प्रताप थे और अनबिहारी चक्रवर्ती और बड़े झारखंड के भी हमारे मित्र थे, मिलजुल करके हमने ध्रुव तारा निकाला। दिल्ली से जब रजिस्ट्रेशन करा तो उसका बाद में बड़ी झंझट के बाद तो उज्जवल धुतारा रजिस्टर्ड हो गया। तो चूंकि उसमें हम लोग हम देते थे दिशा की, देश में कोई भी रिवोल्यूशनरी लीडरशिप नहीं है जो इस तमाम स्ट्रगल्स को ले जा करके व्यवस्था सत्ता पर अधिग्रहण करने के लिए मेहनत कशों का राज ला करके और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ले जाए, ऐसी देश में कोई रियल पार्टी है नहीं, लीडरशिप नहीं है। तो अभी चूँकि मेरे आ जाता था, मेरे इटोरियल में आ जाता था, करते करते सब लोग फिर होने लगे कि हमारी पार्टी तो है, वो कहते हैं क्या कहते हैं हमारी पार्टी तो है वो कर, सभी लोग अपने अपने करते थे। और एक चीज़ और उदाहरण बताऊँ, 1991 में जो न्यूयॉर्क नवी पॉलिसी आई और मनमोहन सिंह को लाया गया वहाँ से, वर्ल्ड बैंक से आप यहाँ पर वित्त मंत्री बनाया गया जो लागू किया, उसके बाद फिर बंगाल के लेफ्ट हॉन की गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने मिल करके निकाला कि जो है गलत है न्यूयॉर्क नई पॉलिसी, नेहरू की पॉलिसी को भले वह किन्स थ्योरी पर बेस था, बाकी इसको यू टर्न कर दिया गया है सोशलिज्म की तरफ से, तो उसको जो है उसको बदला जाए, उसको किया जाए। तो बहुत मेरे जुलूस निकलता था। 25 नवंबर 1992 को इसी दिल्ली में हम सब लोगों ने मिल के, सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने, केंद्रीय कर्मचारियों ने, स्टेट कर्मचारी मिल करके 17-18 लाख मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं को जोड़ा, इसी बोट क्लब पर जो है विजय चौक पर निकाला था। और उसका बहुत बड़ा मंच था और एम के पंजे थे, C2 के थे, मेन तो लीडरशिप उन्हीं की थी C2 की तरफ से, बाकी हम लोग भी आए हुए थे लेके पड़ा हुआ। और देखिए 10 दिन के बाद फिर ये ख़त्म हो जाए, ये खत्म हो, अगर सारे देश की एकता हो गया रही है मजदूरों की, न कास्ट न रिलीजन कुछ नहीं, सब इकट्ठे होके आए हैं, ये तो बड़ा खतरनाक है, तो कैसे किया जाए। फिर 10 दिन के बाद 6 दिसंबर 1992 को दावरी मस्जिद आया गया और जाके ताकि बांट दिया गया हिंदुओं, अरे जनता को, वर्कर्स को बांट दिया गया रिलीजन के पैमाने पर, कास्ट के पैमाने पर, क्षेत्र के पैमाने, ये बांटने का नेहरू जी के जमाने से चला हुआ है, जब से INTUC बनाया था, तो ये है कुल मिलाकर के। तो फिर मैंने उज्जवल धुतारा पत्रिका मेरी बनी जिसका मुझे संपादन करना पड़ा, मैं मजदूर आदमी मजदूरों के बीच में आंदोलन में लिखना पढ़ना क्या जानूं, ये तो प्रोफेसर लोग करते हैं, करना भी चाहिए उनको, बाकी जब वहाँ से कुछ मुझे फीडबैक नहीं मिला तो मैंने सीखा और समझा और निकाला और दस साल तक पत्रिका लॉन्च हुई और पूरे देश में काम किया, हमारे जो है केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक, इधर जो है ईस्ट से वेस्ट तक, सब पूरी पत्रिका को फैलाया, मेरे सभी मित्र थे और सेमिनारों में पूरे देश भर में मिलने होते, तो चलिए पत्रिका बंद हो गई मेरे स्वास्थ्य कारणों से, मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, मेरा लकवा मारा, मेरा दोनों जो है कम से कम ये हर्निया का ऑपरेशन हुआ, स्पॉन्डलाइट तमाम बंद हो गई, कोई इंटेलेक्चुअल मेरे साथ इस क्वालिटेटिव फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल जर्नल को ले जाने के लिए निकल पाया, बंद हो गई, तब से पड़ा हुआ हूँ। और विजय से मेरी मुलाकात 20 साल के बाद हुई, 20 साल 22 साल पहले मुलाकात थी, इनके रिव्यू से डेमोक्रेसी छा जाती थी, हम लोग कलकत्ता में जब बैठ के डिस्कशन करते थे। अभी 7 नवंबर को दिल्ली में एक नवंबर रिवोल्यूशन पर हुआ जिसमें एक वक्ता के रूप में मैं भी था, आया था गांधी शांति प्रतिष्ठान में, वहीं पर
कहाँ से इनको इन्विटेशन मिला, कहाँ से आ गए, हमारी मुलाकात इतने दूर देर तक साइलेंस के रूप में, वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, मुलाकात हुई तब से उसका रिजल्ट है कि हम आज आपके बीच में हैं और इस उम्मीद से आए हैं कि गंगोत्री तो कम से कम है तो दिल्ली है, दिल्ली से ही सारी पॉलिसीज चलती हैं और दिल्ली की सत्ता की लाल किले पर कब्जा की बात हमेशा से लोगों ने किया है और 1970 में भी चारू मंजूनार ने जो कहा कि 70 का दशक मुक्ति का दशक, लाल झंडा गाड़ने तो लाल किले पर आते हैं ना, तो उस लाल किला तो दिल्ली में है और दिल्ली के आप लोग हैं, यहाँ पर सन्नाटा रहेगा तो परिवर्तन कैसे होगा, सोशल सिस्टम कैसे बदलेगा, बस ये मेरी कुल बात है कह करके। और आज का विषय है उस पर मैं थोड़ी बात आपके सामने रखूंगा, ये मेरा परिचय है, मैंने लंबा चल लिया, बाकी आप लोगों को जानना भी चाहिए कि दो बात मैंने कहा, एक थ्योरी एंड एक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के भी दो, एक आपका जीवन, हमारा जीवन मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, जनता में बताएगा कि कैसा मैं लग्जूरियस जीवन जी रहा हूँ या सिंपल जीवन जी रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, भाईचारा है कि नहीं है, संवेदना है कि नहीं है या दुख सुख में हाजिर हैं, ये बताएगा, ये तो मेरा व्यक्तिगत है। और दूसरा जो है प्रैक्टिस कैसे करें जनता के बीच, इस मेजर क्वेश्चन। अभी हमारी विजय जी से बात मेरी कम से हो रही थी, इसे अब ये आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि हमारा देश आज़ाद क्या है, आज़ाद नहीं है, यह कार्यक्रम क्या होगा, जनता तो धर्म चरम में पड़ी हुई है, आज तक करोड़ों लोग आते हैं इलाहाबाद में संगम में नहाने के लिए, उनको उबारा कैसे जाए, जनता को अपने साथ जोड़ा कैसे जाए, जनता तो उनके खेमों में है, उन्हें रामलीला मैदान में 2 लाख लोगों को देखा हूँ, टोपी लगाए BMS के लोग आए हुए हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, अगर कोई वामपंथी कोई आए तो करे तो बटाड़ा करते थे, कभी कभी कुछ करते थे, 22 लाख कर्मचारियों का रेलवे स्टाई, एशिया का सबसे बड़ी हड़ताल 22 लाख रेलवे कर्मचारियों की थी, हमने उसमें 74 में भाग लिया जिसका रिजल्ट है जारन फडणवीस भी के मिनिस्टर बने, जनता पार्टी सरकार भी आई, क्या हुआ उस सवाल देख रहे हैं। तो स्थिति आज है, मैं जो लीडरशिप का सवाल है, करेक्ट लीडरशिप, ये करेक्ट लीडरशिप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल हमारे पोलिटेरियन करेक्टर संवेदना भाईचारा प्यार मोहब्बत, अब तो ये सब आइडियोलॉजी की बात मैं बंद कर दिया हूँ, यहाँ चूंकि सब प्रबुद्ध लोग हैं तो वहाँ मैं इसलिए कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। अब मैं कहीं मीटिंग में जाता हूँ तो मार्क्स लेनिन दुनिया भर की बात लोग कहते होते हैं, हमने कहा भाई गुमकी चिंता करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो आइए पहले हम लोग बात करें सही माने में समाजवाद आप लाना चाहते हैं तो समाजवाद पढ़ाई लिखाई तो होगी ही करेंगे, बाकी पहले हमारे आप में कोई प्यार मोहब्बत इंसानियत बनेगा कि नहीं बनेगा, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, कुछ मारे में 100 फूलों के एक खाल एक साथ खिलने दो की बात हुआ करती थी, आपका पार्टी है मेरे पास तो पार्टी नहीं है, अगर मैं ग्रुप है छोटा सेंटर है जो भी है कुछ लोग हम लोगों का समूह है, बाकी हम आप हमको बातें नहीं करेंगे, आप हमको क्रॉस एनिमी समझेंगे या सहिष्णुता आ जाएगी, तो ये दिक्कत है, ये सब मैं भोग रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा मैं अब तो कहता हूँ भाई इंसानियत और प्यार पहली बात है सभी के बीच में, और उसमें से जो और एडवांस होगा उसको लेकर के समाज को बदलना चाहते हैं, एक खुशहाल दुनिया का सपना है जिसके लिए भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी हो गए, चंद्रशेखर 24 साल में हुए, पूरी की पूरी टीम खत्म हो गई और खत्म होने के बाद उनको फांसी देने के बाद फ्री हो गया, कौन हो गया, ब्रिटेन और कांग्रेस पार्टी, गांधी बाबा हो गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना बल, झूठ है सब, क्यों पढ़ाया जाता है, दिस रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम ही सब चौपट बना हुआ गलत शिक्षा जाती है, खैर ये सब है, तो मैं कहता हूँ आइए हम लोग प्यार की बात करें, इंसानियत की बात करें, और प्यार इंसानियत के क्या, अभी छोटा सा एक और आपके मेहमान में कह दूंगा, थोड़ा मेरी बात आसान हो जाएगी, 31 जुलाई 2016 वर्धा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जानते हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, उसका सेंट्रल इलाहाबाद में खुला हुआ है, वहाँ के डायरेक्टर साहब ने हमको फोन किया कि मिश्रा जी इसमें आपको इन्वाइट करता हूँ आप आइए, हमने कहा देखिए प्रलेश है जलेश है जसन है और PUCL के तमाम लोग हैं और आपका विषय क्या है, पेंशन का जन्मदिन है तो कहें सोजे वतन है, हमने कहा वाह क्या बात, सोजे वतन पर अगर कोई विषय होगा और हमको नहीं बुलाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मैं आऊँगा, बाकी एक चीज़ है भदौरिया साहब हमको 5 मिनट बोलने का दीजिए, वहाँ प्रेमचंद की यात्रा सोजे वतन से लेकर मंगलसूत्र 1936 तक ले जाऊँगा, प्रगतिशील लेखक संघ तक ले जाऊँगा, जब उसमें सूर्योदय हो रहा था जिसका जिक्र किया हुआ है इन्होंने अपने महाजनी सभ्यता में, मैं वहाँ तक ले जाऊँगा, उनको 5 मिनट में समय कर दूँगा।
कहें कि ठीक है नहीं आप आइए, पाँच मिनट बोला जाए, हम कि भाई देखिए आप लोग बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, हम तो गैर यूनिवर्कर हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा सा हम जो जानते हैं मेरे अनुभव को तो बच्चों में जाने दीजिए। और मैं गया हूँ और बैठा रहा हूँ वहाँ पर, मेरे सारे मित्र थे, प्रगतिशील लेखक संघ के ऑल इंडिया के, जनवादी लेखक संघ के ऑल इंडिया के, आपका जन संस्कृति मंच के ऑल इंडिया के, सब बड़े बड़े धुरंधर विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो मामूली सा आदमी बैठा था, सोचे कि टेकने वाला क्या बोलेगा, तो अपना बोले बोले, विषय है सोजी वतन और चर्चा हो रही है माइक से कफन, बूढ़ी कापी, दो बैलों की जोड़ी, फूस की रात, बताइए विषय पर आप आइए ना, आप तो प्रोफेसर हो, आप लड़के कैसे पढ़ाएंगे आप। और फिर अंत में कोई जिक्र नहीं सोजी वतन का है, कोई जन मंगलसूत्र का तो किसी, क्योंकि मंगलसूत्र बाप रे बाप उनकी लास्ट उनका विरासत है, भगत इनका जो है प्रेमचंद का मंगलसूत्र और गोदान भी उसके पहले है, वो साहित्यकार बताएंगे, मैं तो उसका हूँ नहीं, बाकी कोई सब इसका कोई झांकना नहीं चाहता है प्रेमचंद के नाम पर क्या हो रहा है। तो मैं उनमें खड़ा हुआ और मुझे बड़ा दुख लगा और हमने कहा कि भाई अब सब चलिए, चाय हो गया समापन हो गया। और मैंने कहा क्योंकि टेबनिस था, नारा लगाने वाला था, मैं ऐसे ही आया और हमने कहा कि आप लोगों ने प्रेमचंद का अपमान कर दिया, सोजे वतन पर कोई नहीं बोलना था, सोजे वतन पर मैं कह रहा हूँ, मैं तो दिल फिसर हूँ, मुझे दिल फिकार चाहिए, और दिल फिकार वही होगा जो देश के लिए, देश की आज़ादी की बात करे, विश्व को जो है शोषण मुक्त समाज की रचना की बात करे, मुझे ऐसे दिल फिकार की जरूरत है ये करते हुए। और मंगलसूत्र खत्म हुआ ये कहा हुआ तो फिर जो ये, तो मैं ये कह रहा हूँ आज का माहौल इतना खराब है, आज का माहौल इतना खराब है, इस सिस्टम को बदलने के नाम पर, और सब लोग अपने अपने दम भर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो आज की गोष्ठी के लिए हम सब आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और श्री और जो है मैं धन्यवाद देते हुए कुछ हम विषय पर आते हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोग पहले प्यार करना सीखें, हुई सोजी वतन बात आ रही सोजी वतन वाली, उसको पढ़िए, सोजी वतन बहुत जोड़ी पड़ा है, और पता है कि प्रेमचंद के हाथ को भी काटने के दौरान ताकि पत्तियाँ पूरी जला दी गई थी, 1905 वर्ष की बात रही होगी जो भी है, और मंगल सूत्र 1936 का। तो शुरुआत हम लोग समाज को बदलने की अगर कोशिश है, सारे लोग खुशहाल हों, जो शोषित 80% पॉपुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, जिनको जॉब नहीं है, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है लंबी बात आप खुद समझते हैं, इनको मुक्त करने की बात, आम जन मुक्ति का सवाल है, पर इसके लिए कुछ जज्बा है, ईमानदारी है, प्यार है, इंसानियत है, आइए हम लोग हाथ मिलाएंगे और मिला करके हम लोग शुरुआत करें कहीं ना कहीं से। नेतृत्व में देखिए आप बैठे हुए हैं, अभी जी बैठे हुए हैं, उधर जो है बलराम जी बैठे हुए हैं जो उनके पहले मेरे, आप सभी लोग लीडर हैं, सब लोगों को लीडर बनना है। अब इसको पढ़िए उनका जो है उनका स्कॉटकस को पढ़िए, किताब को देखिए कैसे है। खैर तो मैं अक्टूबर क्रांति पर आ रहा हूँ बात को लेकर के, हम लोग अक्टूबर क्रांति आपको बोलना है ना। हाँ ये तो ठीक है, अक्टूबर क्रांति पर मैं बोलूँगा बाद में। हाँ आप इधर आते हैं, हाँ अक्टूबर क्रांति पर बोलूँगा कि क्योंकि उस पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, अभी आज 29 जनवरी को स्टालिन सोसाइटी ये जो सदी है अक्टूबर क्रांति की, उस पर एक श्रृंखला है जो लेक्चर्स हो रहे हैं, आज बताएंगे, आज बोलेंगे श्री आशिम रॉय, वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव, और ये न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव के, कैसे इसमें थोड़ा ये बोलेंगे लेनिनवाद और अक्टूबर रेवोल्यूशन के ऊपर। कॉम्रेड्स, यहाँ पे आम तो जो लगता है कि बहुमत लोग हैं वो हिंदी में आसान होगा, पर कुछ साथी ऐसे भी हैं जो एकदम इंग्लिश के बिना उनका कोई चलने वाला नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा दोनों को जोड़ के बोलने की। और इस कॉन्टेक्स्ट में ही मैं थोड़ा जो मेन मुद्दे हैं उनको मैं हिंदी में रूपांतर करने की कोशिश करूँगा, और जो खास जहाँ पे